हे गाइस, पराठे तो आपने हर किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पराठे बनाने जा रही हूँ ये बनाने में बहुत इजी और खाने में सुपर टेस्टी होते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, उसमें एक चम्मच जीरा डाला है और यहाँ पे कुछ मटर के दाने डाले हैं। मटर की क्वांटिटी यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक मटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे मेरी मटर अच्छे से पक चुकी है, मैंने इसको चेक करके देखा तो मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, दबने लगी थी, तो इसको अब मैं यहाँ पर अलग कर लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे बॉइल्ड आलू को भूनेंगे। मैंने आलू यहाँ पे पहले से मैश करके रखे हुए थे। उबले हुए आलू को हमें यहाँ पे ऑयल डाल के थोड़ा सा इन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पे भूनना है। इसके लिए यहाँ पे हम एक चटनी तैयार करेंगे। यहाँ पे हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अगर आपने जीरा मटर में पहले से डाल के रखा है तो तब यहाँ पे हम जीरा ऐड नहीं करेंगे। और इसकी एक हम यहाँ पे चटनी पीसेंगे। जो ये चटनी है, हमें ये आलू और मटर का जो हमारा मिक्सचर है पराठे का, इसी में ही हमें ये डालनी है। यहाँ पे देखिए, जो मेरी मटर पक चुकी थी, इनको एक आप आलू मैशर की हेल्प से यहाँ पे सारी मटर को अच्छे से क्रश कर लेंगे। सारी मटर जो क्रश हो चुकी थी, यहाँ पे मैंने इसे आलू में ऐड कर लिया है। इसके बाद जो चटनी मैंने यहाँ पे धनिया लहसुन की पीसी थी, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमने यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच गरम मसाला लिया है। इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये पराठे बनाने में जितने ईजी हैं, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करिएगा। इसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कच्चा प्याज ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर पराठों में मुझे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्याज ऐड की है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। हमें यहाँ पे जो आटा गूंथना है, थोड़ा सा हम जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना है। अब यहाँ पे हम इसकी लोई लेंगे और इसको स्टफ़ करेंगे और बहुत हल्के हाथों से इसे हमें यहाँ पे बेलना है, नहीं तो हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर आ सकती है। इस पराठे का आटा आप जितना यहाँ पे सॉफ्ट लगाएंगे, आपके जो पराठे हैं उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। और हमें बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पे बेलना है और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अब इसे सेकेंगे। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं घी लगाते हुए इनको अलटते पलटते अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्हें दबा दबा के सेक लूँगी, ताकि हमारे जो पराठे हैं ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहें। आप चाहे तो यहाँ पे मटर के पराठों की जगह पूड़ी भी इनकी बना सकती हैं। बस इसमें जो मटर के जो दाने थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से मैश करना होगा और इसी तरीके से स्टफिंग करके आप पूड़ियाँ बेल सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। आप प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मेरी थाली तैयार है। मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी और चटनी और यहाँ पे गाजर का हलवा रखा है।